नमस्कार बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो है दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से इसके 10वें अध्याय मीठी सारंगी के अभ्यास के प्रश्नों के भाग दो की। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न भाग दो। गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। ये सब जो मैंने नाम लिए ये संगीत के बाजों के नाम हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर बजाए जाते हैं। इनके नाम सही जगह पर लिखने हैं तो तार वाले जो यंत्र हैं वो हैं सारंगी, एकतारा, सितार, गिटार, और थाप वाले जो हैं वो हैं तबला, ढोलक। ढोलक का भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डफली, इसको भी थाप दे के बजाया जाता है। अन्य हैं बांसुरी, हारमोनियम और शहनाई। ये सब वाद्य यंत्र हैं जिसको हम बजाते हैं, जिससे ध्वनियाँ निकलती हैं। और कुछ भी नाम बच गए हैं तो उन्हें आप अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हैं। ऊपर लिखे गए बाजों को जगह जगह बजाया जाता है। ये जो बाजे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ इसको जगह जगह बजाया जाता है। सोच कर लिखो कि इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। इन्हें निम्नलिखित स्थानों पर बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, तो बस में बजाया जाता है एकतारा, डफली, बांसुरी। फिर से बोलता हूँ, एकतारा, डफली या बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर या घर में कोई फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो या किसी तरह का कोई भी आयोजन हो, उस पर गिटार, ढोलक, हारमोनियम, शहनाई इत्यादि बजाई जाती है। और भजन कीर्तन जो हो, मंदिर में हो, घर में हो, किसी के अन्य के घर में हो, वहाँ पर बजाया जा सकता है बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, डफली, सितार। और स्कूल में किसी अवसर पर जो बजाया जा सकता है वो है सितार, गिटार, तबला। तबले को आप भी देख रहे हैं, ढोलक, डफली, बांसुरी, हारमोनियम। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें मीठी अच्छी लगती हैं? तो मुझे लगता है कि आपको चॉकलेट, टॉफ़ी, फल, आइसक्रीम इत्यादि, हलवा अच्छा लगता होगा। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं और मीठे के स्वाद के अलावा उनका क्या क्या स्वाद होता है? तो खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती हैं, मीठे के अलावा इनका खट्टा, तीखा, कड़वा इत्यादि भी स्वाद होता है। तो अब नीचे लिखी गई जो चीज़ें हैं उनको स्वाद के हिसाब से लगाना है। जो चीज़ें हैं वो है आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो मीठा इसमें जो है वो है आम, शहद और दूध। खट्टा है नींबू, आंवला, तीखा है मिर्च और अदरक, कड़वा है करेला और नीम। तो नीचे लिखे गए शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस या हंस, तो इसको इस तरह से बोला जाता है। और अब जो अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द हैं, जैसे चांद, चांद मेरे साथ बोलेंगे, चंदन, झांसी, झांसी, झंझट, झंझट, मंगलवार, मंगलवार, मांगना, मांगना, कंकड़, कांपना, सुंदर, सांप, अंधा और आंधी। सांप, अंधा, सांप, अंधा और उसके बाद है आंधी। तो ये जो अनुस्वार अनुनासिक जो चंद्रबिंदु